बहुत सालों तक सत्संग कराते रहे। सत्संग कराते 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 आखिर में एक ही बात कही। जब कलकत्ता में लाखों लोग रामायण पाठ में आते थे, वहां सबके सामने घोषणा कर दी, भाई अब तो हमारा विचार व्याख्यान देना का नहीं है, अब हमारा विचार केवल परमात्मा का प्राप्ति साधन करने का है। ऐसा स्वामी जी महाराज, तो वहां पर ऐसा नियम हो गया। आप जाके भी आए गीता बम किसी केस में, आधा घंटा सत्संग करना और आधा घंटा ये कीर्तन। अब जो कीर्तन सुना ना, ये राग और कीर्तन लगभग वही है। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा ढोलक वगैरह नहीं है, नहीं तो और अच्छा लगता। तो ये वही कीर्तन है। तो ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते थे, करो केशव कीर्तन। कलयुग में भगवान के कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी। अब अच्छा, इसमें दो परिपाठी, जैसे हमारे यहाँ तो हरे राम 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 हरे हरे, और कई संत लोग हरे कृष्णा यहाँ से शुरू करते। अभी मैं जयपुर में गया सुंदरकांड करने के लिए, फिर अगले दिन कीर्तन करना था, तो मैंने, अब हमारा तो वही चलता हरे राम से, तो छोटे छोटे बच्चे थे, आप देखना यूट्यूब पर, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सब कीर्तन करते। अरे बोले नहीं महाराज, हरे कृष्ण शुरू करो। अरे मैंने कहा ये क्या चक्कर है। तो कहना मतलब है, कई संत लोग हरे कृष्ण शुरू करते हैं, कई लोग हरे राम से शुरू करते हैं, पर मूल में कलयुग में कीर्तन की महिमा है। जग जग कीर्तन होते, आप अयोध्या में जाओ, वहां सीताराम 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 सीताराम। और स्वामी जी महाराज सुनाया करते ना, कुएं में पानी लेने के लिए रस्सी लटकाते हैं, इतनी सी रस्सी बाकी है, कितनी सी, इतनी सी, अगर इतनी सी रस्सी बाकी है तब तक तो लोटा पानी भर के आ जाएगा, और अगर रस्सी छूट गई तो लोटा अंदर गया। ऐसे ही अपने सत्संग में आ गए, भले एक मिनट दो मिनट बैठ गए, ये भी बहुत है। तो सार बात यही है, तो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन की खूब महिमा कराते थे। आप नवदीप मायापुर गए होंगे सहित, तो वहां पर